आप जब तक 100% आप हमारे यहाँ का युवा शिक्षित नहीं होगा, लोग शिक्षित नहीं होंगे, हम अपने देश को आगे बढ़ाने की बात कैसे सोच सकते हैं? क्या अशिक्षित करके लोगों को सिर्फ झंडा पार्टी का उठवाने के लिए और सिर्फ नारे लगवाने के लिए ही हम उनको अशिक्षित रखने का मतलब एक सोच रखते हैं? ये जो जपली हुई मानसिकता है उसको तोड़ने का प्रयास अरविंद केजरीवाल जी ने किया। आपने देखा कि स्वास्थ्य, क्या अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, ये जनता का अधिकार नहीं है। बिजली, अगर आप कहते हो डिजिटल इंडिया और अगर उसको एक मूल मतलब यूनिट, कुछ यूनिट, क्या उसका अधिकार नहीं है कि अगर उसके पास पैसे नहीं, वो गरीब है, तो क्या उसको ये भी अधिकार नहीं कि वो एक पंखा एक बिजली चला सके? अगर वो मुफ्त बिजली देते हैं तो क्या ये रेवेन्यू में आती है? तो सरकारें अगर मुफ्त राशन देती है, ये गैस के सिलेंडर बांटने की बात करते हैं, तो ये क्या है? अब जब तक 100% आप हमारे यहाँ का युवा शिक्षित नहीं होगा, लोग शिक्षित नहीं होंगे, हम अपने देश को आगे बढ़ाने की बात कैसे सोच सकते हैं? क्या अशिक्षित करके लोगों को सिर्फ झंडा पार्टी का उठवाने के लिए और सिर्फ नारे लगवाने के लिए ही हम उनको अशिक्षित रखने का मतलब एक सोच रखते हैं? ये जो जपड़ी हुई मानसिकता है उसको तोड़ने का प्रयास अरविंद केजरीवाल जी ने किया। आपने देखा कि स्वास्थ्य, क्या अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, ये जनता का अधिकार नहीं है। बिजली, अगर आप कहते हो डिजिटल इंडिया और अगर उसको एक मूल मतलब यूनिट, कुछ यूनिट, क्या उसका अधिकार नहीं है कि अगर उसके पास पैसे नहीं, वो गरीब है, तो क्या उसको ये भी अधिकार नहीं कि वो एक पंखा एक बिजली चला सके? अगर वो मुफ्त बिजली देते हैं तो क्या ये रेवेन्यू में आती है? तो सरकारें अगर मुफ्त राशन देती हैं, ये गैस के सिलेंडर बांटने की बात करते हैं, तो ये क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी है और देश के अंदर मुझे तो नहीं याद है कि कोई 10 साल पुरानी पार्टी का इतिहास हो कि 4 राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हो। और उसके बाद लोकसभा में, तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमने अपने उम्मीदवार उतारे और हमें अच्छी जीत हासिल हुई। आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा उसको लेके हम उत्तर प्रदेश में भी जनता के बीच जाएंगे। गोरखपुर की बात कर लें, पिछले कई टर्म से गोरखपुर के अंदर नगर निगम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज गोरखपुर में जाम की स्थिति देख लीजिए, डेंगू अभी भी हम सब कहते हैं कि हमने ITMS लगा दिया, जाम नहीं मिलता। नहीं नहीं, बिल्कुल, आप जब भी उठिए, गोलगढ़ सुबह चौराहे पे पहुंचिए, उधर से आप निकलिए, इधर बेतिहता की तरफ जाइए, इधर आप मेडिकल की तरफ जाइए, आपको जाम मिलता है। लोग घंटों परेशान होते हैं। सिग्नल आप देखिए, जब जब इनका मेयर बदलता है उतने सिग्नल के टावर, आप मेरे साथ कल गोलगढ़ चौराहे पे चलिए, 3-3 सिग्नल के टावर एक चौराहे पे एक तरफ लगे हुए हैं। क्या वो जो पहला वाला था उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता था? और अगर जब दूसरा लगाए तो पहले को हटा करके कम से कम विजिबिलिटी मिले। 3-3 लगे हुए हैं खड़े हुए चौराहे पे, मालूम नहीं चलता कि सिग्नल ऑन हुआ कि नहीं ऑन हुआ, वो किसको दिखाने के लिए लगे हुए हैं? कैसे आपको लगता है कि नियत साफ नहीं है? क्योंकि इनके जब भी योगी जी आते हैं तो यहाँ हजारों करोड़ की जो है परियोजनाओं का शिलान्यास भी करते हैं। उद्घाटन वो शिलान्यास है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि गोरखपुर के अंदर कई हजार करोड़ के शिलान्यास की बात होती है, सुंदरीकरण की बात होती है, एक लिपस्टिक लगा देना, मेकअप में सिर्फ लिपस्टिक लगा देना, वो पूरा आपका क्या नाम है मेकअप नहीं, हाउस टैक्स के नाम पे अपमान करने के लिए तैयार थे। इस बार का ये मुद्दा होगा, ये दोबारा आएंगे जहाँ पे आपको 800-200 देना पड़ता था, ये आपके ऊपर 10-10 हज़ार रुपये का जो हाउस टैक्स के नाम पे वसूली करने का काम कर रहे थे, गुंडा टैक्स वसूलने का काम कर रहे थे, वो फिर लागू होगा। चुनाव को देखते हुए ये चुप हो गए। आम आदमी पार्टी ने जब आवाज़ उठाई तो इनको लगा कि शायद ये नब्ज हमारी पकड़ रहे हैं, ये बैक हो गए। लेकिन हमें विश्वास है कि अगर ये दोबारा नगर निगम में स्थापित हो गए तो गोरखपुर की जनता तो यही मांग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर पोस्ट, बात वही जो है सही। अगर हम बात करें आज पूरे भारत में आम आदमी पार्टी का, इस समय अगर हम बात करें तो जन जन के मुंह पे आम आदमी पार्टी आज के दिन तो नजर ही आएगी, उनके मुंह से सुना भी जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे सही, लेकिन जैसे कि नहीं होता कि कछुए की चाल चल रही है और जिस चाल में वो कामयाब होते हुए नजर आ रही है, बड़े बड़े खरगोश पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम MCD की बात करेंगे, दिल्ली MCD में 250 सीटें हैं, 250 सीटों में 134 सीट जीतकर एक ऐसा कुनबा तैयार कर दिया है MCD में कि अब आम आदमी पार्टी की चलगी। इसके पहले अगर आम आदमी पार्टी की बात करते तो आम आदमी पार्टी उन MCD से लड़ाई लड़ते हुए दिखती थी। हमारे साथ हैं वैभव जायसवाल जी जो कि प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो गोरखपुर जिले के कमान यानी जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ बैठे हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे। हम पहले स्वागत है आपका हमारे गोरखपुर पोस्ट पर। आपका भी बहुत बहुत आभार और आपके देखने वाली सारे व्यूवर्स और जनता को दिल से शुभकामनाएं और बधाई। एक समय था कि आम आदमी पार्टी को टोटल TV ने बायकॉट कर दिया था, आपको मालूम होगा क्योंकि आप शुरू से जुड़े हुए हैं, अन्ना आंदोलन से उठाया और आज तक ही बीड़ा उठाते चले आ रहे हैं आम आदमी पार्टी की। तो अन्ना आंदोलन के बाद जब पार्टी बनी तो एक ट्रेल चला कि नहीं, इनको बायकॉट करना है, बायकॉट करना है। नहीं, इसमें मीडिया बंधुओं का और हमारे चौथे स्तंभ का कोई भी मतलब कहा जाए हाथ नहीं है। कुछ एक ऐसी सरकार देश के अंदर 2014 के बाद आई है कि जिस तरीके से तानाशाही कर रही है, इन्होंने हर संवैधानिक संस्थाओं को, इनका विश्वास भारतीय संविधान पे नहीं है, इन्होंने संविधान को तोड़ने का काम 2014 से शुरू कर दिया, जो आज तक निरंतर जारी अपनी तानाशाह पे इन्होंने उस स्तंभ को चोट पहुंचाने का काम किया, जिसमें उन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी मजबूत विकल्प है भारतीय जनता पार्टी की,
कि वही उनको आने वाले समय में चुनौती दे सकती है। और इसीलिए आपने देखा कि पीछे भी जिस तरीके से केजरीवाल जी ने जनहित के कार्यों को लेकर के हमेशा जब भी कदम आगे बढ़ाए, कभी एलजी द्वारा, कभी किसी संवैधानिक पहलुओं द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया, एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप कार्य करने से रोक रहे हैं, तो इससे जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि आम आदमी पार्टी जैसी विचारधारा, एक दिल्ली मॉडल अरविंद केजरीवाल उनका विकल्प बने। लेकिन देश की जनता का हम दिल से आभार करेंगे, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं आप सबको, कि इन्होंने हमारा जो काम है उन्होंने खुद जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया और मीडिया ने उसमें बहुत भरपूर सहयोग किया है। जहां जब हो सका मीडिया ने हमको हमेशा आगे रखा है, हमारे साथ हमेशा। मैं क्योंकि आरोप लगता रहा है कि आपका जो आईटी सेल बड़ा मजबूत है, तो ये किस तरह से आप लोग मैनेज करते हो, क्योंकि आपके गोरखपुर में भी आईटी सेल होगा और आईटी सेल प्रभारी भी आप हमारे ख्याल से हैं अभी फिलहाल पूर्वांचल के, तो किस तरह से मैनेज करते हैं और कैसे जो है जनता को एकजुट लाने का प्रयास करते हैं? देखिए, हमारे पास जो कुछ माध्यम हैं हम जनता के बीच अपने कामों को ले जा सकते हैं, उन माध्यमों को हम अपने सदुपयोग में लाते रहते हैं। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप सुबह उठते ही एक कप चाय बाद में मांगेंगे, सबसे पहले बिस्तर पे आप उठने के बाद अपना नित्य कार्य करने के बाद आप व्हाट्सएप खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, ट्विटर खोलते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, तमाम ऐसे लोकल ऐप आजकल चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जिसपे आप खबरें जानना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जनता को ये लगता है कि वो खबर जो हमको जाननी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है, वो इन माध्यमों से मिलती है। तो आम आदमी पार्टी शुरू से ही, अन्ना आंदोलन के वक्त से ही, अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए इन माध्यमों का इस्तेमाल करती आई है। और उसको सदुपयोग कैसे किया जाए, कैसे हम लोगों से कनेक्ट हो सके, इसका सबसे बड़ा माध्यम हमारा सोशल मीडिया था, और सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी हमेशा फोकस रखती है और प्रयास करती है कि हम अधिक से अधिक अपनी बातों को, अपने कामों को, जनहित की चीजों को तक पहुंचा सके। एमसीडी की बात आती है, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव की बात करते हैं, तो पिछली बार का जो एमसीडी का चुनाव था और इस बार जो एमसीडी के चुनाव में इतना डिफरेंस, क्या किया? देखिए, इसमें तो सही मायने में हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा पूछा, कोई भी तीन काम बताओ, 15 साल के अंदर हर 5 साल के टर्नओवर में आपका एक काम, अब सिर्फ तीन काम बता दो। वो तीन काम बताने में वो लगातार नाकाम रहे। जब भी उन्होंने पूछा तीन काम बताओ, ये कहते थे सत्येंद्र जैन, जब भी कहते थे तीन काम बताओ, ये शराब घोटाला जबरदस्ती का एक झूठा आरोप लगा करके केजरीवाल जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। ये कहते थे तीन काम बताओ केजरीवाल जी, जब भी तो ये मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापे मरवाते थे। क्या मिला उसमें? उनके लॉकर का जब सीबीआई ने खुलवाया तो झुनझुना मिला। आपके कहने का मतलब यह है कि अगर ये सीबीआई रेड नहीं पड़ी होती या ऐसा कुछ नहीं हुआ होता जैसा आप कह रहे हैं, तो आप एमसीडी नहीं जीत पाते? नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो अपने कार्यों पे जीत रहे हैं, हम अपनी विचारधारा पे जीत रहे हैं, आगे के विजन पे जीत रहे हैं। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से आज, दिल्ली एक छोटा सा स्टेट है देश का और अपूर्ण राजधानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, लेकिन वहां की जो कार्य है, आज स्वास्थ्य मॉडल की जब बात होती है, चर्चा होती है, तो हमें गर्व होता है हमारे देश के ऊपर। लेकिन जब शिक्षा पे आपके पास दिखाने का उत्तर प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कोई मॉडल नहीं होता है, और जब अमेरिका के ट्रंप की धर्मपत्नी कहती है हमको कोई स्कूल दिखाइए भारत का, तो आप दिल्ली के केजरीवाल मॉडल के स्कूल पर जाकर दिखाते हैं, हैप्पीनेस क्लासेस कैसे चल रही है, कैसे वहां पर शिक्षा मॉडल इतना बदल गया कि आज प्राइवेट स्कूल से लोग अपना नाम कटवा करके सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, और उसका परसेंटेज भी बहुत हाई है, 99.9 तक जा रहा है। तो आप सोचो कि जो मॉडल इन्होंने दिया, जनता समझ रही थी कि इन्होंने वो कार्य करके दिखाया है जो जनता चाहती थी। तो एमसीडी के अंदर जिस तरीके से इन्होंने कूड़े का अंबार लगाया, भ्रष्टाचार, आप लिंटर दिल्ली के अंदर आज के पहले लगाने जाते थे, आपके यहाँ वसूली करने वाले इनके गुंडे पहुंच जाते थे, तो ये हालत हो चुकी थी एमसीडी के 15 सालों से, उस त्रस्त व्यवस्था से, और केजरीवाल मॉडल को देखते हुए जनता ने अपना पूरा सम्मान और आशीर्वाद दिया है। जैसे फ्री की रेवड़ी, आपने भी सुना होगा, मंच से आया था और फिर अब लोग भी कहने लगे थे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे कि फ्री की रेवड़ी नहीं मिलनी चाहिए। फ्री की रेवड़ी है क्या? फ्री की रेवड़ी क्या होती है? वही तो मैं पूछ, मैं आप मुझे बताओ, सरकारी जो होती हैं वो किस लिए होती हैं? अगर आप टैक्स ले रहे हो तो जनता को सुविधा देने के लिए ले रहे हो, जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए ले रहे हो। पहले एक नारा होता था रोटी कपड़ा मकान, आज उसमें जुड़ गया है कि शिक्षा स्वास्थ्य भी। क्या शिक्षा देना, आप शिक्षा दे रहे हो तो क्या ये भारतीय हमारे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके भविष्य को बनाना और क्या उनका अधिकार नहीं कि वो पढ़े? आप जब तक 100% आप हमारे यहाँ का युवा शिक्षित नहीं होगा, लोग शिक्षित नहीं होंगे, हम अपने देश को आगे बढ़ाने की बात कैसे सोच सकते हैं? क्या अशिक्षित करके लोगों को सिर्फ झंडा पार्टी का उठवाने के लिए और सिर्फ नारे लगवाने के लिए ही हम उनको अशिक्षित रखने का मतलब एक सोच रखते हैं? ये जो जकड़ी हुई मानसिकता, उसको तोड़ने का प्रयास अरविंद केजरीवाल जी ने किया। आपने देखा कि स्वास्थ्य, क्या अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, ये जनता का अधिकार नहीं है? बिजली, अगर आप कहते हो डिजिटल इंडिया और अगर उसको एक मूल मतलब यूनिट, कुछ यूनिट, क्या उसका अधिकार नहीं है कि अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो गरीब है, तो क्या उसको ये भी अधिकार नहीं कि वो एक पंखा और बिजली चला सके? अगर वो मुफ्त बिजली देते हैं तो क्या ये रेवड़ियों में आती है? तो सरकारें अगर मुफ्त राशन देती हैं, ये गैस के सिलेंडर बांटने की बात करते हैं, तो ये क्या है फिर?
मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कहीं ना कहीं अगर हम टैक्स देते हैं पड़ेगा, और सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि भाई अगर हम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, तो पैसा जा कहाँ रहा है, और अगर जा रहा है तो मुझे भी दिखना चाहिए, क्योंकि मैं चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो सबसे भिखारी हो, वो भी टैक्स दे के ही सामान खरीदता है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो टैक्स हर एक व्यक्ति दे रहा है, लेकिन वो पैसा हमें नहीं दिख रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन हम एक चीज़ और इसमें ऐड करेंगे, अब गुजरात का चुनाव आ रहा है, अभी से लोग सबूखा ये फेंक रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक अल्पसंख्यकों के साथ रहती है, उनका जो है उनका ही उत्थान क्यों सोचती है, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ये तो एकदम झूठा आरोप है। हम किसी भी जाति की किसी भी इस तरीके की व्यवस्था की कभी बात किया हम लोगों ने तो आप कहें, हमने हमेशा बात किया कि सबके हित के लिए। अगर हम स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं, अच्छे अस्पताल बना रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, तो क्या वो किसी जाति विशेष वर्ग के लिए? वहाँ तो अमीर भी आ सकता है, गरीब भी आ सकता है। अगर हम शिक्षा का मॉडल बना रहे हैं या अच्छे स्कूल दे रहे हैं, तो वहाँ पर हर वर्ग के हर तरीके के बच्चे पढ़ते हैं, तो ये आरोप कैसे हो सकता है? अगर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या देखा जाता है? आप महिला हो, आपके लिए मुफ्त बस यात्रा है। अगर मुफ्त बिजली दे रहा है, तो क्या किसी एक वर्ग के लिए दे रहा है? हमारा वोटर वो वोटर है जो इन पुरानी जो कुंठित मानसिकताओं वाली जो विचारधारा है उनसे त्रस्त आ चुका है, वो बोर हो चुका है इन लोग से। अब वो कहता है कि आप भारत को बढ़ाने के, हमारे प्रदेश को बढ़ाने के, हमारे शहर का सुंदरीकरण करने पर कब बात करोगे? गुजरात में पहली बार हुआ कि कांग्रेस जैसे एकदम कहा जाए जो खत्म हो चुकी पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों से वहां पे क्यों राज कर रही है? क्योंकि कांग्रेस उसको कांग्रेस के अंदर लोग विकल्प नहीं देख पाते हैं, एक खुला हुआ मैदान था। लेकिन आपने देखा कि पहली बार गुजरात के अंदर जाति पे धर्म पे बात ना होकर के शिक्षा पे बात हो रही थी, स्वास्थ्य पे बात हो रही थी। कभी अमित शाह जी जाते किसी स्कूल का दौरा करते हैं, कभी मोदी जी को एक कहा जाए उनके गुजरात में एक ऐसा क्लासरूम नहीं मिला, अब वो टेंट के क्लासरूम दिखा करके लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है कि आज राजनीतिक दल जो है वो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा पे, इस तरीके के मुद्दों पे कम से कम चर्चा तो शुरू की है। आज देश उन भ्रष्ट व्यवस्था से निकल करके भविष्य की ओर बढ़ रहा है, अरविंद केजरीवाल जी के दिखाए गए रास्तों पे बढ़ रहा है, यही तो आम आदमी पार्टी। क्या आपको लगता है कि गुजरात आपके हाथ आपके पाले में आएगी इस बार जैसे कि एमसीडी आई? देखिए, आम आदमी पार्टी अपना पूरा भरपूर प्रयास हर जगह कर रही है और जनता का हमें पूरा समर्थन। सोशल मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा था कि कई बार मैंने वीडियो देखा था कि कोई विधायक अपना पर्चा जो भरने गया था उसके पर्चे को खारिज मतलब कर दिया गया, जबकि वो सब कुछ सही था, उसको अगर वो खारिज करने से मना करता है तो उसे अपहरण कर लिया जाता है। ये गुजरात का ही मामला था। बिल्कुल, अब आप देखिए कि कोई विधायक के लिए लड़ने के लिए अपना पर्चा दाखिला करता है आम आदमी पार्टी का। अगर सूरत के अंदर आपने देखा कि पिछले निगम के चुनाव में मुख्य विपक्षी दल के रूप में आम आदमी पार्टी ने अपने आप को स्थापित किया, सूरत के अंदर अपने गढ़ में इनको इतनी जबरदस्त हार दिख रही है, उस हार से बचने के लिए धमकाने तक का और लोगों का अपहरण करने तक का कार्य कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जो इनके पास संस्थाएं उनका ये दुरुपयोग कर रहे हैं, संवैधानिक चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो व्यक्ति रात को उठा लिया जाता है घर से, अब पुलिस के कस्टडी में लाया जाता है, उससे बात तक नहीं करने दिया जाता है, और जबरन उसका पर्चा खारिज करवा करके सहमति लेकर के अब पुलिस के पूरे मतलब जैसे कहते हो कितना बड़ा आतंकवादी है, कई सौ पुलिस वाले उसको घेरे हुए हैं और उसको लेकर चल देती है पुलिस। तो ये क्या है, इससे क्या लगता है? ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान का मजाक बनाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन का मजाक बनाया गया वहां पे, और लोकतांत्रिक अधिकार जो है कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं उसका भी हनन किया गया। मैं अब सब कुछ छोड़ के गोरखपुर पे आता हूँ, जिला अध्यक्ष हैं आप गोरखपुर के, सभासद का यहाँ पे पार्षद का चुनाव लड़ा जा रहा है, नगर पंचायत का भी चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या दमखम है आम आदमी पार्टी का? और कैसे, क्योंकि एमसीडी जीतने के बाद थोड़ा सा उत्साहित तो होंगे जरूर आप, किस तरह से यहाँ पे मैनेज करेंगे? और क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं में जहाँ तक मैंने देखा है कि आपके कार्यकर्ताओं में उत्साह तो है, जब दिल्ली में एक भी आप जीतते हैं तो यहाँ पे भी पटाखे बजते हैं, मैंने देखा है पूरे देश में पटाखे बजते हैं, आपके कार्यकर्ता बजाते हैं। क्या ये जो पार्षद का चुनाव, चाहे वो नगर पंचायत का जो चुनाव आ रहा है, उसमें आप प्रत्याशी उतार भी रहे हैं जैसा कि आपने पिछली मेरे इंटरव्यू में कहा था, तो किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं और कितने प्रत्याशी आप उतारेंगे और कैसे, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होगी या फिर उनका कुछ मानक होगा, कुछ तो रखा होगा आपने? देखिए, आम आदमी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी है और देश के अंदर मुझे तो नहीं याद है कि कोई 10 साल पुरानी पार्टी का इतिहास हो कि 4 राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हो, और उसके बाद लोकसभा में तमाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमने अपने उम्मीदवार उतारे और हमें अच्छी जीत हासिल हुई। आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा उसको लेके हम उत्तर प्रदेश में भी जनता के बीच जाएंगे। गोरखपुर की बात कर लें, पिछले कई टर्म से गोरखपुर के अंदर नगर निगम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज गोरखपुर में जाम की स्थिति देख लीजिए, डेंगू अभी भी हम सब कहते हैं कि हमने आईटीएमएस लगा दिया, जाम नहीं मिलता। नहीं नहीं, बिल्कुल, आप जब भी उठिए गोलगढ़ सुबह चौराहे पे पहुंचिए, उधर से आप निकलिए इधर बेतियाता की तरफ जाइए, इधर आप मेडिकल की तरफ जाइए, आपको जाम मिलता है।
लोग घंटों परेशान होते हैं। सिग्नल आप देखिए, जब जब इनका मेयर बदलता है उतने सिग्नल के टावर, आप मेरे साथ कल गोलघर चौराहे पे चलिए, तीन तीन सिग्नल के टावर एक चौराहे पे एक तरफ लगे हुए हैं। क्या वो जो पहला वाला था उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता था? और अगर जब दूसरा लगाया तो पहले को हटा करके कम से कम विजिबिलिटी मिले। तीन तीन लगे हुए हैं खड़े हुए चौराहे पे, मालूम नहीं चलता है कि सिग्नल ऑन हुआ कि नहीं ऑन हुआ, वो किसको दिखाने के लिए लगे हुए हैं। तो इस तरीके की जो भ्रष्टाचार है, दुर्व्यवस्था है, डेंगू के वक्त लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे, योगी जी जाके गुजरात में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे और यहाँ पे लोग मरने की स्थिति में थे। गोरखपुर जनता को इन्होंने छोड़ दिया, खुली हुई नालियां बजवा जाती, नालियां बरसात के अंदर गोरखपुर तालाब की स्थिति बन जाती है। आप आइए गोरखपुर में मुस्कुराइए, ये स्लोगन चलाते हैं। इनको शर्म नहीं आती है कि जब बरसात आता है तो लोग स्विमिंग पूल की तरह गोल घर में तैरते हैं। आपके बगल में जिला अस्पताल है जहां पे मरीज रहते हैं, वहां पे कमर तक पानी लग जाता है। तो ये व्यवस्था इन्होंने दिया है। आप क्या बता सकते हैं कोई भी तीन काम गोरखपुर के अंदर कि नगर निगम के अंदर अच्छी पानी की व्यवस्था, अच्छा शौचालय, अगर महिलाओं को शौचालय जाना हो तो क्या जा सकती है वो, कहीं बना रखा है इन्होंने? क्या आप बता सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था नगर निगम के द्वारा कुछ व्यवस्था की जाती है, कोई कैंपेन चलाया जाता है? जब भी इस तरीके की महामारी आती है तो सिर्फ जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है। किन मुद्दों को लेकर अपने, क्योंकि आपने मीटिंग भी की होगी पार्षद, जो भी पार्षद प्रत्याशी अभी फिलहाल होंगे आपके पास, उनसे मीटिंग भी आपकी होती होगी, किन मुद्दों को लेकर उनसे बात होती है और कैसे उनको आप मोटिवेट करते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक अलग पार्टी है, क्योंकि उसकी सोच अलग है, उसको स्वच्छ भारत चाहिए, जैसा कि स्वच्छ भारत लोग कहते हैं वैसा स्वच्छ भारत चाहिए। तो किस तरह से आप स्वच्छ करेंगे, कैसे साफ करेंगे, क्या पढ़ाई लिखाई व्यवस्था होगी, कैसे पार्षदों को आप अपने पार्षदों को क्या बता रहे हैं कि जिससे पार्षद जाके जनता में बताएं? देखिए नगर निगम के जो कार्य है, सिर्फ उन कार्यों की बात कर ले तो वो कार्य करेंगे ही तो जनता आपको अपना प्रेम और स्नेह देगी, वो काम ही नहीं हो रहे हैं। आप गलियों में चल जाएं, जो सड़क की व्यवस्था है, नालियां खुली हुई हैं, ये सबसे बड़ी आज आज जो वो कार्य है गोरखपुर के अंदर करने के लिए है। आप सड़कों के किनारे आप जाइए तो जिस तरीके से रेवड़ी पट्टी वालों को आज परेशान किया जाता है, उन पे जो भ्रष्टाचार एक तरीके से कहा जाए नगर निगम द्वारा और प्रशासन द्वारा किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, क्या उनको सही व्यवस्था नहीं दी जा सकती है? ये मुद्दे हैं। साथ ही स्वास्थ्य के, मैं आपकी बात को काटूंगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो ठेले वाले हैं उनके लिए एक अलग जगह दी गई थी यहाँ पे, वो वहां नहीं जाते। सिर्फ एक आध मार्केट में दे देने से नहीं होगा, रोज कुआं खोदेगा, रोज पानी पीता है, इस तरीके की उनकी व्यवस्था है, उनका जीवन है, उनके जीवन को, उनके कठिन परिश्रम को आप समझिए। आप उनको व्यवस्था दे दीजिए कि जहां पे पब्लिक जाती ना हो 1 किलोमीटर अंदर कर दीजिए, आप ऐसी व्यवस्था बनाइए जहां पे जनता भी सही से जा सके, एक जनता को जाने में सुविधा भी हो और उनको दुकान लगाने में भी सुविधा हो, सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करना चाहिए। यहीं पे मन में शंका होता है कि इनकी नीयत साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं है। कैसे आपको लगता है कि नीयत साफ नहीं है? क्योंकि इनके जब भी योगी जी आते हैं तो यहाँ हजारों करोड़ की जो है परियोजनाओं का शिलान्यास भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं। वो शिलान्यास है कहाँ? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि गोरखपुर के अंदर कई हजार करोड़ के शिलान्यास की बात होती है, सुंदरीकरण की बात होती है, एक लिपस्टिक लगा देना, मेकअप में सिर्फ लिपस्टिक लगा देना, वो पूरा आपका क्या नाम है मेकअप नहीं हुआ। आप प्राइवेट सेक्टर से कह के जबरदस्ती उनके ऊपर दबाव डाल करके आप बिजली के कुछ खंभों में तार लपेट देते हैं, उससे होगा? आपने खजूर के पेड़ लगाए उसमें पानी दे, 122 के गोरखपुर जैसे जिला के लिए बहुत बड़े हैं, सिर्फ रहने के लिए। आप जनता के ऊपर हाउस टैक्स के नाम पे उत्पीड़न करने के लिए तैयार थे, इस बार का ये मुद्दा होगा? ये दोबारा आएंगे जहां पे आपको 800-200 देना पड़ता था, या आपके ऊपर 10,000 रुपए का जो हाउस टैक्स के नाम पे वसूली करने का काम कर रहे थे, गुंडा टैक्स वसूली का काम कर रहे थे, वो फिर लागू होगा? चुनाव को देखते हुए ये चुप हो गए। आम आदमी पार्टी ने जब आवाज उठाई तो इनको लगा कि शायद ये नब्ज हमारी पकड़ रहे हैं, ये बैक हो गए। लेकिन हमें विश्वास है कि अगर ये दोबारा नगर निगम में स्थापित हो गए तो गोरखपुर की जनता त्राहिमाम करेगी। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एमसीडी के तर्ज पर गोरखपुर का चुनाव लड़ने की तैयार है, जैसे दिल्ली एमसीडी में आप जनता के मुद्दों पे, और जनता हमारे साथ है, इस बार जनता चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी चुनाव, इस बार जनता चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। ये थे हमारे साथ वैभव जायसवाल जी, जो कि जिला अध्यक्ष भी हैं गोरखपुर के, इनसे मेरी चर्चा हुई। अगर हम बात करें देश की, प्रदेश की, तो प्रदेश में ये प्रवक्ता है, और अगर हम बात करें जिले की तो जिला अध्यक्ष है, अगर हम बात करें आईटी की तो आईटी सेल भी देखते हैं, यानी एक में सब समाहित है, अपने आप में ही ये जो है पूरे कुनबा है। और इन्हीं के आज मैं आपको बताऊं कि क्योंकि इनके इंटरव्यू के लिए मैं कई बार परेशान रहा, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं रहता है, क्योंकि मैं सही बता रहा हूं आपको, आपके पास टाइम नहीं रहता, कारण यह है कि इतने कार्यकर्ताओं से घिरे रहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं रहता, लेकिन आज टाइम निकाला आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे, मैंने पहले ही कहा ना कि कछुए की चाल चल रही है, और कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी एक अलग छाप, एक अलग पहचान से नजर आएगी, और कहीं ना कहीं पूरा देश आज आम आदमी पार्टी की तरह पार्टी को खोज रहा है कि और कोई ऐसी पार्टी आए जिससे लड़ा जा सके। अब क्योंकि मुद्दा अब हिंदू मुस्लिम नहीं रह गया है, क्यों? बिल्कुल, अब मुद्दा यही होने भी चाहिए, लोगों के मुद्दे होने चाहिए, लोगों के मुद्दे होने चाहिए, जैसा कि आपका कहना है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो विकास के साथ साथ हमें शिक्षा स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, तभी हम देश को कह सकते हैं कि हम विश्व गुरु बनने के लायक हैं। आप देख रहे हैं गोरखपुर पोस्ट, मेरा नाम है सतीश शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।